ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सोमवार को परीक्षा पे चर्चा के लाइव कार्यक्रम में शामिल होकर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा छात्र छात्राओं को परीक्षा से संबंधित दिए गए टिप्स की सराहना की। रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का सोमवार को सीधा प्रसारण किया गया, जिसमें स्कूली बच्चे शामिल हुए। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद रहे सीएम साय ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि विद्यार्थी परीक्षा की तैयारियों में लगे हुए हैं और देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देश भर में बच्चों को जो क्लास 6वीं से लेकर 12वीं में अध्ययनरत है उनसे परीक्षा पर चर्चा करते हुए उनको मार्गदर्शन किया, ये बहुत बड़ी बात है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के करोड़ों करोड़ों बच्चे 6वीं से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों से परीक्षा पे चर्चा की और ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो परीक्षा का भय कम करने के लिए इस तरह से सीधे बच्चों से बातचीत करते हैं। अब परीक्षा सामने है, बच्चे परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो ऐसे समय में माता पिता तो सहयोग करते ही हैं, लेकिन इस देश के बच्चों का सौभाग्य है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में उनके साथ सीधे बात करके परीक्षा से जो भय होता है बच्चों का उसको कम करने का प्रयास कर रहे हैं और आज सातवां उनका ये परीक्षा पे चर्चा हुआ है और इससे निश्चित रूप से हमारे देश के करोड़ों करोड़ों जो बच्चे हैं 6वीं से लेकर 12वीं तक के उनको लाभ होगा। देखिए, देश के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये सौभाग्य का विषय है और उनके लिए रोमांच का विषय भी है कि प्रधानमंत्री सीधी बात करते हैं और उसमें परीक्षा के तनाव को दूर कर जो हमारे आजकल बच्चों में एक प्रवृत्ति आ गई है कि तनाव के कारण सुसाइड करते हैं और प्रधानमंत्री जी ने शायद इसीलिए कि बच्चों का तनाव कम हो और उस तनाव को दूर करने में माता पिता पेरेंट्स की क्या भागीदारी हो सकती है, शिक्षकों की क्या भागीदारी हो सकती है और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कि उनको पूरे देश और विश्व के काम के साथ साथ कैसे वो तनाव रहित जीवन जीते हैं उन्होंने अपने स्वयं के उदाहरण के साथ में विभिन्न उदाहरण देकर उन्होंने बच्चों को बताया है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए भी ये बहुत उपयोगी साबित होगा। मैं प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूँ और इस कार्यक्रम में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए, माननीय विधायक साथीगण भी आए और हमने 6वीं से 12वीं तक की सभी स्कूलों में कोशिश की थी कि इसको बच्चे सुने तो इसका फायदा छत्तीसगढ़ के बच्चों को भी हो। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।